तो हमने पहला एक फॉर्मूला लिखा है 7.4 एक्सरसाइज है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आएगा ही आएगा, 1/x² + a² का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी आप डायरेक्ट याद रखिए 1/a tan inverse x/a + c। ठीक है सर। हाँ, एक दूसरा फॉर्मूला बनेगा 1/x² - a² यहां प्लस का साइन था, यहां किसका साइन है, इसका बनेगा 1/2a log x - a/x + a + c। क्या हुआ? नहीं, मैंने अभी ऐसे ऐसे करा था ना, आपने देखा था, अभी तो बताऊंगा मैं कैसे करता हूँ यार। नंबर 3, 1/a² - x², 1/2a सरकारी लगेगा लगेगा, और log a - x/a + x प्लस सी। एक बार फिर भी हम भी चेक कर लेंगे, मुझे थोड़ा सा वो जा रहा है जरा। थोड़ा सा लगा जैसे तुमने बोला ना, यहाँ 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 क्या आएगा, यहाँ प्लस है और यहाँ कितना है बेटा, माइनस है, a + x / a - x। मेरा x थोड़ा ढंग का बनाऊंगा मैं आगे से, a + x / a - x। हर्षिता कॉपी कर लिया बेटा? आज टेस्ट की तैयारी तो तूने पूरी कर ली होगी, मैंने इसीलिए थोड़ा लेट बताया था कि बच्चा पढ़ना बंद ना करे, इलेवंथ वालों ने कहा कि थोड़ा लेट ही ले लेना टेस्ट ये। हाँ बेटा बोल। टेन इनवर्स एक्स वाला लिखा मैंने, 1/x² + a² = 1/a tan inverse x / a। सर एक बार सरीन जी बड़ा फटाफट से तीनों फॉर्मूले कॉपी कर लिए, थोड़ा जल्दी आया करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है। मैं पहले बड़े सवाल कराऊंगा आपसे। अच्छा सर आप जरा मल्टीटास्किंग काम बाद में कर लेना, ये तीन फॉर्मूले कर लिए आपने, तीन फॉर्मूले और हैं ऐसे जिनके ऊपर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। क्या है फॉर्मूले इसका मतलब, नंबर 4, नंबर 5, और अभी हम याद करेंगे 5 मिनट में। 1/√ में क्या है, x² + a² ये क्या हो जाएगा, 1/√ में x² - a² ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1/ पहले फॉर्मूला बताऊंगा पांचवा वाला, सॉरी छठा नंबर का वाला फॉर्मूला करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, sin inverse x/a + c, और इनके फॉर्मूले बहुत आसान है दोनों के, यहां लगाएंगे log और x प्लस करके सेम चीज आ जाएगी, यहाँ पे क्या आ जाएगी, log x प्लस करके सेम चीज आ जाएगी। एक बार ये कॉपी कर लीजिए, थोड़ी सिमेट्री बनाते हैं, याद करने का एक पैटर्न बनाते हैं हम लोग, एक पैटर्न डेवलप करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। हाँ जी सर, थोड़ा अपनी वाणी को विराम दें आप, जरा यहाँ देखें, log x प्लस सेम चीज लिख दिया, x² - a² यहाँ कॉपी कर लीजिए सर।
स्क्रीमिंग अप सेवरल थिंग्स एट वंस, मल्टीटास्किंग। आप भी नहीं आए आज, आप भी नहीं आए आज। ठीक है, थोड़ा सा थोड़ा मोटा भी लग रहा है। आगे चलेंगे जरा। आपको याद है ये, आपको याद है वहां पे वन प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता था, याद है? थोड़ा थोड़ा बताइए जरा। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था? तो अच्छा, तो इसका मतलब क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स होगा, नहीं होगा? अच्छा, आपको याद है वहां पे वन माइनस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता था? नहीं 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 नहीं, बचा गया सारे तो बोल दिए। साइन वर्ड एक्स प्लस सी, याद आया? ये दो फॉर्मूले तो याद है, नहीं है? अगर आपसे कोई कहे वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा तो क्या बोलेंगे आप? और अगर आपसे कोई बोले वन अपॉन में अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्या है? दो फॉर्मूले यहां से इस परिवार से हमने लिए हैं। देखो पहला फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, चाहे इसको वन प्लस एक्स स्क्वायर का हूं चाहे एक्स स्क्वायर प्लस वन को, बात तो एक ही है। ये फॉर्मूला वहां से बना है, देखो यहाँ पे वन की जगह कितना आ गया, केवल यहाँ ए स्क्वायर आ गया, तो क्या हो गया वन अपॉन ए टेन इनवर्स, यहाँ खाली ऐसा एक्स अपॉन ए प्लस सी। मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बिना अंडर रूट के है तो ऐसा बनेगा फॉर्मूला। अच्छा यहाँ पे देखो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला देखो कौन सा है, ये है। क्या फॉर्मूला बन गया इसका, इसका साइन इनवर्स एक्स होता है, इसका क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। दो फॉर्मूले तो वहां से बना लिए हम लोगों ने, ये थोड़े स्पेशल फॉर्मूले हो गए। अच्छा आगे देखो, क्योंकि बड़ा मजेदार टॉपिक ही होता है, अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री नहीं है लेकिन सवाल दे देते हैं ये वाले भी वहां पे। अच्छा यहां देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वन अपॉन टू ए सरकारी लगेगा, इसमें भी वन अपॉन टू ए सरकारी लगेगा, लॉग लगेगा लगेगा, इसके फैक्टर करो क्या आएंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पे, इसके ही फैक्टर करेंगे हम लोग। लेकिन इस वाले में क्या रखेंगे, प्लस वाला पहले रखेंगे, अब मैंने भी गलत कर दिया था अभी लिखते समय, तो याद कैसे रखेंगे, ए फोर एप्पल याद आएगा दिमाग को, चलिए एप्पल वाला फॉर्मूला आप कर लीजिए यहाँ पे, ए से पहले आ रहा है तो प्लस आ रहा है, ठीक है, क्या लॉजिक बताया सर ने। अच्छा यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो बहुत आसान है, यहाँ पे लॉग लगाना है और एक्स प्लस करके सेम चीज लिख देनी है, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लग रहा, इसमें भी लॉग लगा के एक्स प्लस करके सेम चीज लिख देनी है। मैं सीधा बड़े सवाल की बात करूंगा, छोटे सवाल की बात करूंगा ही नहीं, इसमें जो कॉपी कर लिया बेटा सारा, ये रिधिमा हर्षिता और धवित आए हैं क्या? धवित तो आए नहीं है, चलिए अब मेरा अब देखो ये फॉर्म बड़ी पॉपुलर है, इसको पता क्या कहते हैं, वन अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पहले ये करते हैं, पहले एक बिल्कुल ये इस तरह की फॉर्म में सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, ये फॉर्म है एक तरह, लिख लीजिए जरा, और ये वन अपॉन में अंडर रूट में कितना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक सवाल आपसे करवाएंगे अभी, अब इस तरह की फॉर्म आ गई तो कैसे करेंगे, अभी पहले दो बच्चों वाले सवाल करेंगे। पहला सवाल मान लीजिए क्वेश्चन ये आ जाए वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 25 आ जाए, कैसे करेंगे सवाल को बताएं, कोई फॉर्मूला है इसका? पहले 25 को सर ने कहा 5 का स्क्वायर लिख दो, लिख सकते हैं अगम जी हम लोग, अगर आप इजाजत दें, अगम जी ने भी हमें परमिशन ग्रांट कर दी है। अब इसका पहले फॉर्मूला लिखो, हमेशा हम लिखो वी नो डेट, हम जानते हैं, टीचर को बता दो आप क्या जानते हो, जितनी बार ये फॉर्मूला लिखोगे उतनी बार आपका पक्का होता चला जाएगा, आपकी हार्ड डिस्क में जाना शुरू हो जाए। इधर फीवरिश बॉय है आज, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन मैंने क्या बताया बिना अंडर रूट वालों का, वन बाय टू ए लॉग एक्स माइनस ए, ये एप्पल वाला फॉर्मूला नहीं है सर, ये क्या लगेगा
ए अपॉन, ये फॉर्मूला होता नहीं होता, बताइए सर जरा अगम जी। तो यहां क्या लगेगा वो बता सकता है फॉर्मूला मुझे, क्या आएगा इसका आंसर अब? तो आ जाएगा वन अपॉन ए, वन अपॉन टू, एट वन अपॉन टू, एक जगह कितना बैठा हुआ है यहां पे, एक जगह कितना है, फाइव लॉग एक्स माइनस फाइव अपॉन प्लस सी। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, कितना हो जाएगा ये? हर्षिता क्लियर है बेटा ये? हाँ, इसमें पुरानी नॉलेज की जरूरत नहीं, आप आसानी से इस सवाल को कर सकते थे। कॉपी कर लीजिए सर। हाँ मतलब 2 5 का 10 हो गया ना बेटा, मल्टीप्लाई कर दिए ना। तनी जी आगे चलें जरा सर, हो गया वाला बेटा, कोई दिक्कत आई इस वाले में? नहीं आई आपको, चलेंगे अगले सवाल में। गुप्ता जी चलिए आगे। अब सवाल आ गया मेरे पास ये, वन अपॉन 37 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कैसे करूं मैं इसको? अब ये तो कोई स्क्वायर बन ही नहीं रहा, तो जबरदस्ती बना दो उसका स्क्वायर। कैसे, क्या लिखेंगे इसको? बस खत्म, √37 का स्क्वायर बना दो। कोई फॉर्मूला लगेगा इसमें यार, याद नहीं आ रहा मुझे। ये तो कोई एप्पल कंपनी थी, उसका फॉर्मूला है 1/2a, क्या लगेगा? लॉग, सॉरी ए माइनस एक्स, एप्पल है पहले, नहीं ए प्लस एक्स था, ए प्लस एक्स की एप्पल पॉजिटिविटी का प्रतीक है, प्रॉस्पेरिटी का प्रतीक है, जिसके बाद एप्पल है वो पैसे वाला है, बाकी लोगों के पास तो, गरीब लोगों के पास तो 1+ होता है, प्लस सी आ जाएगा यहाँ। ये फॉर्मूला लगेगा, कैसे अप्लाई करेंगे बताओ उसको, कितना आंसर आ जाएगा? 1/2 ए की जगह √37 लॉग √37 प्लस एक्स अपॉन हाँ जी रचित जी, ठीक है बेटा। −8 तक आ जाऊंगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कैसा लगा आपको सर? यानी कि दो टर्म होनी चाहिए, एक इसको एक्स के स्क्वायर होनी चाहिए, एक सिंपल होनी चाहिए, कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। मजा अब आएगा साहब आपको। चलें मैडम, कॉपी कर लिया, सबने कॉपी कर लिया है, और हमारी रितेश जी ने कॉपी नहीं किया। चलेंगे, सवाल ये आ गया एग्जाम के अंदर में, 1/(x²+5x) +3। अब ये कितनी टर्म है? तीन टर्म है हमारे पास, कितनी टर्म है? तो यहां हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? और परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कला सीखते हैं, क्या है परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कला? क्या है? यहां पे 3 और लगा दो। सवाल मैंने चेंज कर दिया, क्या लिखा हुआ है? कोई पढ़ पाएगा? आप पढ़ के बता पाएंगे रचित, क्या लिखा हुआ है? 3। इसका परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा? परफेक्ट स्क्वायर बनाने की 3 बातें याद रखनी पड़ेंगी। एक तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है हमेशा 1 होना चाहिए। क्या है? 1 है तो उसको जबरदस्ती क्या बनाएंगे हम? और एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो
क्या मतलब, हाँ मतलब प्लस पॉजिटिव है या नहीं है वो है, उसके बाद इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। एक तो क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए मतलब वन होना चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए, और तीसरी बात उसका क्या बनाएंगे हम, परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले यहाँ से क्या कहना, जबरदस्ती में क्या कॉमन लेना पड़ेगा, थ्री कॉमन लो, कितना बच गया ये बताओ जरा, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस सीधा वन लिख दूं मैं, मैंने थ्री को जबरदस्ती क्या ले लिया सर, कॉमन ले लिया। दो सवाल मैं करके दिखाऊंगा ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है देखिए जरा। मैं एक लाइन में करता हूँ लेकिन अब एक लाइन में नहीं करूंगा, मैंने देखा है ओवर द ईयर बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, क्या करेंगे यहाँ, ये ऐसे कैसे रहने दीजिए। अब एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, इसका आधा करो कितना हो जाएगा, 5/3 का हाफ करो, वेरी गुड। मतलब 5/3 का हाफ करने का मतलब क्या हो गया, इसको मतलब 2, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये दोबारा बोल पाएंगे आप, तो इसका स्क्वायर 5/6 का स्क्वायर प्लस कर दो यहाँ और 5/6 का स्क्वायर माइनस कर दो, क्या कुछ फर्क पड़ेगा साहब, नहीं वो हाँ वो तो हो जाएगा, वैसे कोई फर्क पड़ेगा, क्या रूल बनाया हम लोगों ने भाई, हमने इसको पॉजिटिव बना लिया, इसको हमने यूनिट बना लिया, अब मैंने क्या करा, इसके कोफिशियंट का एक्स के कोफिशियंट का आधा निकालने के बाद उसका उसका स्क्वायर प्लस भी कर दिया, उसका स्क्वायर माइनस भी कर दिया, कोई दिक्कत रचित, ये 1/3 आ गया। अब ये कितना हो जाएगा बताइए जरा, अब देखिए जरा यहां पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, इनका अमालगमेशन करेंगे हम लोग, मतलब ये इनको हम कुछ लिखने वाले हैं, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर खोलूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, तो वो 2 से वो कट जाएगा तो 5/3 बचेगा, अगर मैं इसको स्क्वायर खोलता भी तो यहां, ठीक है बाकी कितना बच गया यहाँ, मैं रिपीट कर देता हूं, अब मैंने क्या करा बेटा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, ये 5/3x है और ये है, इन तीनों को हम इकट्ठा क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 5/6 का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, 2 × 5/6 आएगा, तो ऑटोमेटिक ये आएगा वो, और क्या बच गया बाकी मेरे पास, कितना बच जाएगा, प्लस 1 माइनस 25/36, ये बच गया, ये हर स्टेप में करना, हर सवाल में करना होगा। अब इसको थोड़ा और सुंदर बना लो, क्या बनेगा सुंदर बन के, 1/3 इंटीग्रेशन में क्या आएगा, डी एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 5/6 का होल स्क्वायर 36 − 25 कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 36 से 25 गया तो 9 आ गया, 11 बचेंगे मेरे भाई, 11/36, और उसको जबरदस्ती क्या बनाएंगे हम लोग, अब थैंक यू सर, प्लस आया ना 36 में 25 गया, तो अब यहाँ कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या, एक बार देखो जरा, कुछ कुछ फॉर्मूला होता था यार, मेरे को याद तो आ रहा है, मेरे को 1/+x² + a² का फॉर्मूला, प्लस वाले में 1/a तो ए की जगह कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, एक्स कितना है, यहां पे 6 एलसीएम लेके काट देंगे, कितना बचेगा, ये 4 नंबर का पूरा उम्मीदवार है, हाँ जी रिधिमा समझ में आया बात, एक बार कॉपी कर लो उसको, क्या वो इतना बड़ा सवाल होता है, कुछ तो कुछ रह ही जाता है। अच्छा देख, यहाँ देखता हूँ ऑनलाइन वाले से, बेटा सवाल में कुछ कमी रह गई थी, देखा आपने कुछ
रचिता बता पाएंगे, कुछ छूट तो नहीं गया सवाल में? वेरी गुड, देखो रिधिमा बढ़िया टंटी बच्ची है ये, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। ये देखिए 1/3 रह गया था यहाँ, अब मैं एक स्टेप और नहीं लिखूंगा, आप इनको काट के नहीं लिख देना, 2/2 बचेगा। कैसा लगा आपको सर ये सारा खेल? किसका है? परफेक्ट स्क्वायर बनाने का खेल है सर। एक सवाल और मैं करके दिखाऊंगा, जिसको इसकी प्रैक्टिस हो गई वो चैंपियन बन जाएगा। गंदा नहीं है, लेंदी है बस, और कुछ नहीं है। फिर बाद में शॉर्टकट बता देंगे जब आपका हाथ साफ हो जाएगा। मैथ्स में आपको मेहनत करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है सर। मैथ्स में क्या देना पड़ता है? टाइम हमारे पास है नहीं। जब आगे छुट्टी भी जाना है, चलो खैर आपकी बात अलग है बेटा, आपका और उसका मुकाबला थोड़ी, आप सोना हो। आगे चलेंगे, ठीक है चले आगे। कॉपी कर लिया, अगला सवाल देखिए जरा। एक और 1/5x2, थोड़ा गंदा था बनाया था, 7x+3 कुछ भी लिख दो उसका निकल जाता है डेफिनेटली। आ गया रूल क्या कहता है, पहले किसको कॉमन लिया जाएगा? यहाँ 5 को कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा ये? क्या मैंने गलत तो नहीं किया? अब x के कोफिशिएंट का क्या करेंगे हम लोग? हाफ करेंगे, क्या आएगा उसका हाफ? सर ने बताया हमें अभी अभी कि 7/10 का स्क्वायर माइनस, कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? अब देखिए कितनी जल्दी हो जाएगा इस बार ये 1/5। अब किसका स्क्वायर बना देंगे यहाँ पे? एक्स प्लस इसको, इसको और इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 7 लिख देंगे, और ये कितना आ जाएगा प्लस का? कितना? 3/5 माइनस 49/100 आ जाएगा। इसके अलग से 100 आ जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास? 1/5 dx/x+7/10 का स्क्वायर आ जाएगा 20, 23 60। ये आ गया प्लस का 11/100 बचा सॉरी, क्योंकि 100 आ गया ना, तो 20 या 60 60/49 11। हाँ ठीक है, 1/5 क्या लिखेंगे इसको हम लोग? कितना आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 1/5? फॉर्मूला क्या होता है इसका? 1/a tan inverse, क्या हो जाए x/a। अब एलसीएम ले लेना बेटा यहाँ पे, ये tan कहाँ चला जाएगा? ऊपर 2/√11। हर्षिता क्लियर है? एक बार कॉपी कर लो जरा इसको।
चलिए आगे था थोड़ा इंस्टा को थोड़ा आराम दे दीजिए सर। कॉपी कर लिया तुमने? कॉपी कर लिया बेटा? अगला अगला सवाल करके दिखाइए आप जरा। 1/2x² + 5x + 7। मैं आपको एक मिनट दे रहा हूँ, मतलब 3 मिनट दे रहा हूँ। अगर आगे सवाल हो गया ना तो सारा बात सुनना। मैं काम करता हूँ, अच्छा मेरे पास ना टाइम का कंस्ट्रेंट रहेगा। मैं ना मेरे सर का दूसरे से कर पड़ रहा हूँ, आपको व्हाट्सएप पे हेलो भेज दूँगा, मैं आपको नंबर दे दूँगा वो करा। ठीक है, मैं आपको सुना, मेरे पास नहीं है बहुत ज़्यादा बुक, मेरे पास टाइम नहीं होगा, मैं सर का आपको दे दूँगा, आपको बोल दूँगा किसी का। बहुत बढ़िया, ये एक मिनट बात है। ठीक है।
बेटा आपका सॉल्व हो गया वाला क्वेश्चन बेटा, दवेद वो सॉरी क्या नाम है रचित, क्या आंसर आया आपका 1/2 ब्रैकेट डाल दिया। हाँ कहने यार है क्या इसमें 1/√2 आगे इतना गंदा आ रहा है 10 inverse बेटे यहाँ के बच्चों का तो ये नहीं आ रहा आंसर। रिधिमा आपका आंसर क्या आ रहा है? √31 आ रहा है आपका? नहीं यहाँ पे बच्चों का √31 ही आ रहा है। रचिता आपका कहीं गलत है देखो जरा। हर्षिता तेरा कितना आया? हर्षिता नहीं ये दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा। ओ ये बढ़िया लगा इसका ना 31 आ रहा ना 87 आ रहा। बधाई आओ मुबारक हो आप। मैं करके दिखाता हूँ फिर जरा एक बार के लिए। चलिए कैसे करेंगे बेटा, होना चाहिए रहे सवाल। देखिए 2 कॉमन निकालेंगे बेटा, कितना हो जाएगा ये x2 प्लस ये ऐसा हो जाएगा नहीं होगा, ये हो जाएगा कितना x प्लस क्या करेंगे 5/4 का स्क्वायर प्लस होगा और 5/4 का स्क्वायर माइनस होगा, ये कितना आ जाएगा x प्लस 5/4 का स्क्वायर आ जाएगा ये। बेटे बात समझ में आ रही है मेरी आपको हर्षिता? अच्छा ये क्लियर है। अब कितना बचा मेरे पास यहाँ पे 7/2 माइनस 25/16। हर्षिता हर्षिता कहाँ गलती करी है मेरे बच्चा? अच्छा 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 ठीक है ठीक है ठीक है। तो 5/4 होगा बेटा, 5/2 का हाफ का मतलब तो ये आ जाएगा प्लस एलसीएम कितना आ गया यहाँ बेटा 16 एलसीएम आ गया, 8 56 56 माइनस ये कितना था 25 तो ये आ गया 1/2। और क्या ये तो फायदा था जनरल का। ये कितना आ जाएगा सर? मैं भी जा रहा हूँ कल सुबह हिमालय वापस संडे नाइट। चलोगे सर आप? सर आप जाते नहीं, आपका मकान बन जाओ सर, आपको जबरदस्ती ले जाएंगे फिर हम लोग। ये आ गया बेटा अभी हो जाएगा सॉल्व, ठीक है सबने कर लिया है सॉल्व। एक अगाम क्या देख। हाँ बेटा बोलो हाँ कॉपी कर लो। आसान लगा नहीं लगा? मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो बना ही सकते हैं। एक सवाल और देन करेंगे फिर आप, उसमें थोड़ा तड़का लगाएंगे। चाहे यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ एक बार प्लस करेंगे और एक बार यहाँ एक बार माइनस करेंगे ना होगा। चलिए दे रहे हैं सर एक बार आपको बहुत आसान लड्डू वाला दे देते हैं। एक लड्डू ले हुए लड्डू अभी अगम हमारे कॉपी कर रहे हैं। अगम को थोड़ा समय लगता है हमारे प्यारे बच्चे हैं। अगम क्या है 1/2x2 + 6x + 4 इसका करो जरा, मैं थोड़ा सा मसाला नहीं डाल रहा। ये एक मिनट वाला सवाल है, एक मिनट का।
अरे हर्षिता, शायद हर्षिता हमारा आंसर दे पाए। हर्षिता कोई बात नहीं, रिस्क ले ले बेटा, सबसे पहले आंसर तू ही दे, गलत सही कुछ नहीं होता। अब हर्षिता बोलेगी नहीं, देखना जरा। आस्क टू अनम्यूट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं हर्षिता, कोई कोशिश कर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और डरने से नौका पार नहीं होती। आज बहुत अच्छी पोएम गाई एक बच्चे ने स्कूल में, रिधिमा ने, रिधिमा ने क्या नाम है उसका, रिदम ने, रिदम दियो, जबरदस्त हिंदी में। आज दोबारा पोएम बोलने लगे, पहले पोएम बोले हैं रिदम की, आज की। चले जरा आगे, मैं एक बार क्या आंसर है बेटा, शायद मेरे को नहीं मालूम, हाँ हो गया, माइनस वाला लग रहा होगा। देखो चलो टू कॉमन ले लिया बेटा एक बार के लिए, वो कोई भी लग सकता है बेटे में, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें तो। ये आ गया बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, क्या लिखेंगे हम लोग, थ्री बाई टू का स्क्वायर प्लस थ्री बाई टू का स्क्वायर माइनस हो गया, ये कितना आएगा, वन अपॉन टू, वन अपॉन एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर। अब बचा गया ये और ये का काम तो हो गया, कितना बचा, प्लस टू माइनस नाइन बाई फोर, तो ये एट माइनस नाइन माइनस का वन बाई फोर बचेगा, तो ये वन बाई टू कितना आ गया, वन अपॉन एक्स प्लस थ्री बाई टू का स्क्वायर माइनस वन बाई फोर,
और 1/4 को क्या लिख पाएंगे हम लोग अब? ये हाँ हाँ बोल बेटा। हाँ नहीं नहीं डेसिमल में नहीं कर सकते बेटा, फ्रैक्शन में करना पड़ेगा निपुण। ओके ये कितना आ जाएगा 1/2। ये क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा निपुण, एक बार फॉर्मूला बताएगा ये 1/2a log एक्स माइनस ए अपॉन, जरूरी नहीं कि प्लस वाला फॉर्मूला लगे, आप देखो माइनस वाला लग गया है, कितना आएगा 2a 1/a कितना है 1/2 log कितना आएगा x प्लस 3/2 माइनस 1/2 x प्लस 3/2 प्लस 1/2 प्लस c, ये 2 से 2 उड़ गया, ये आ जाएगा log और ऐसे में लेंगे 2 खत्म हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा वैसे कर लो ना ये x प्लस 1 अपॉन प्लस 2 प्लस c। कौन सा हाफ है? अच्छा जो सरकारी जरा आ रहा था जो बताइए, इतना बड़ा था वाला कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, मेरा भारत है इतना बड़ा विशाल और बड़ा। तो बात तो समझ आई है सर, ये मतलब परफेक्ट स्कोर बनाना तो कम से कम आ गया। अब अगला सवाल आपके सामने है, 2 मिनट बाद रहा, 1 मैं करूंगा 1 आपसे करवा लूंगा, काम हो जाएगा। क्या नाम है इसका, सरीन जी थोड़ा आराम दे दीजिए अपने इंस्टाग्राम को, तो आंसर चलाएंगे आप बेटे ये। हाँ ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। चलिए देखिए जरा एक बार ये सवाल को देखिए, आप जरा ध्यान से देखेंगे जरा आप, ये दे रखा है सवाल में। अब इस सवाल में थोड़ा अलग नजर आ रहा है, क्या अंतर है क्या? यहाँ अंडर रूट आ गया बस, लेकिन रूल तो सेम है, पहले 3 को क्या लेना पड़ेगा, लेकिन जब 3 को कॉमन लेंगे तो जो अंडर रूट से चलो अभी आराम से करते हैं काम। ये कितना आएगा 1/2 में क्या आएगा, अभी अंदर ही 3 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा ये 3 को क्या निकाल देंगे हम लोग यहाँ पे, अंडर रूट से बाहर निकालो तो क्या आएगा ये 1/√3 आएगा। ठीक है ये कितना हो जाएगा x प्लस 5/3x माइनस 4/3, अब क्या करेंगे प्लस 5/6 का स्क्वायर, तरीका तो क्या है राम कहानी तो क्या है वही है सर, थोड़ा कितना आएगा 1/√3 कितना आएगा ये अपॉन क्या आएगा बताओ जरा, किसका स्क्वायर बनेगा आप दिस दे क्या बनेगा x प्लस 5/6 का स्क्वायर बनेगा ना बेटे, और ये कितना बचेगा यहाँ पे माइनस और माइनस 25/36 क्या ये कितना आ जाएगा 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन कितना आ जाएगा ये x प्लस 5/6 का स्क्वायर और 36 का एलसीएम ले लो कितना आएगा, 30 ले लिया तो 12 12 4 48 सीधा 73 लिख दूं मैं। हाँ यही होता है यहाँ पे अंडर रूट खा जाते हैं, 73 आ जाएगा ये क्योंकि आएगा ना माइनस का 48 और माइनस का 25, अब क्या लिखेंगे इसको हम लोग, अब ये कोई कोई फॉर्मूला लगेगा यार, याद नहीं आ रहा क्या फॉर्मूला लगेगा यार यहाँ पे, लॉग एक्स प्लस सेम चीज आ जाएगी क्या, इसका मतलब क्या आ जाएगा फिर ये 1/√3
लॉग एक्स का मतलब क्या है ये, और एक्स को अपने स्क्वायर का मतलब ये पूरा लिख दो ऐसे कैसे बस। कॉपी कर लीजिए ठीक है बेटा। निपुण हाँ नहीं, मत करो, मैं उसका शॉर्टकट तरीका बता दूंगा अभी क्या आएगा। कैसे लग रहे हैं सवाल आपको ये? आप हाथ से निकाल लेना एक दो सवाल, तो आपको फॉर्मूला तो आपने बताया नहीं, एप्पल का फॉर्मूला आपको पता है। मैं समझ रहा, थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, पहला दिन है अभी तो, 8-9 महीने हमारे। टैक्स में 7.1 से लेके 7.4 तक ये आएंगे, इसमें 2-3 सवाल दे देंगे, इसी से तो पास हो गए तुम। 8.5 का ले लो, संडे को नहीं गया ऐसे, इस बार मंडे को ही है क्लास में, मतलब 1.25 घंटे तक खींच स्ट्रेच कर लेंगे उसको हम लोग, 15-20 मिनट में हो जाएगा, एक घंटा 15 मिनट में हो जाएगा। जैसे हमने डेथ का लिया था ना ऐसे लेंगे हम लोग। संडे बताया तो समझ जा रहा हूँ ना, अरे बड़े दिन हो गए गए हुए यार। अरे मजबूरी है बेटा, जाना पड़ेगा। अरे स्कूल जा रहा हूँ मैं तो यार, अपने स्कूल ही जा रहा हूँ यार, वहाँ का थोड़ा देखना था काम वाम मेरा। बाकी मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग है ना, तो 2 दिन फिर आ ही लेंगे वहाँ पे। चलिए अगला सवाल आपके सामने ये रहा, अगम जी तो आंखें थक चुकी है अगम जी की। अच्छा एक सवाल देखिए जरा, कॉपी कर लिया, मजा अब आएगा देखिए सवाल करने में। रची जी चले आगे, तलवार जी चले आगे, आजकल इंटरव्यू चल रहा है तुम्हारे स्कूल में, स्पोर्ट्स कैप्टन हाउस कैप्टन के इंटरव्यू चल रहे हैं तुम्हारे। जिसको देखो वो स्पोर्ट्स कैप्टन बनना चाह रहा है, निपुण तो प्रेसिडेंट है, ये अपने क्लब का प्रेसिडेंट है। अच्छा ये ध्यान देना जरा, ये क्या लिखा हुआ है, इस सवाल को कैसे करेंगे बताइए। यहाँ क्या कॉमन लेना पड़ेगा, पहले माइनस 2 ले, क्योंकि पॉजिटिव भी बनाना है उसको मेरे बच्चे, तो क्या लगाया उन्होंने -2, ये कितना बचेगा यहाँ, x2+ ये आ गया मेरे पास। अब बाहर क्या निकलेगा यहाँ पे, लेकिन अंडर रूट से -2 ले नहीं सकते, तो आयोट आ जाएगा वो तो। ओ अब क्या करें, नहीं यहाँ पे कॉमन आप 2 ही निकालोगे बाहर, ये अंदर माइनस को घसीटते रहोगे, कुछ नहीं करेंगे इसका, इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो, कितना आएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस करोगे और 1 का स्क्वायर माइनस करोगे, ओ बताइए कमाल हो गया, कितनी बड़े बड़े ब्लंडर कर रहे थे आज हम लोग, आपने मुझे। लेकिन यहाँ इसका हाफ करेंगे तो वो प्लस हो माइनस ही होगा, इसके साइन से कोई लेने देना नहीं है उसका। अब ठीक है सर आपका, यहाँ पे ये कितना होगा 1/√2, ये अंडर रूट माइनस को क्या करते रहेंगे आप, साथ साथ घसीटते रहेंगे, क्या आएगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा बताओ, ये किसका स्क्वायर बनेगा फिर, ये x-1 का बनेगा, क्योंकि x2-2x है, मतलब ये और ये कितना बच गया, -3 -1 कितना बन गया,
माइनस फोर। अब इस माइनस को क्या करेंगे, यहाँ पे यूटिलाइज कर लेंगे, अंडर से बाहर तो निकाल नहीं सकते, यानी कि क्या बन जाएगा ये 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर बन जाएगा। अब यह माइनस यूज होगा, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, बाहर मत निकाल देना, बच्चे बाहर निकाल लेते हैं नादान होते हैं, अंडर रूट से माइनस बाहर नहीं निकल पाएगा। रचित आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा आपका, ये आपने किया ही है साइन इनवर्स एक्स बाय ए, कितना हो जाएगा ये 1 बाय रूट 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 2 प्लस सी सी। तलवार जी आप समझ पा रहे हैं? दिक्कत आ रही है? हाँ चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समय लगाइए, जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आपने मैंने बताया भी था, आपने वो हाफ सीए वाली सीरीज देखी नहीं देखी, मैं पूरी देख चुका हूँ, बहुत बढ़िया है, उसमें रोना धोना भी है, एक बच्चा फेल हो जाता है, इतना रोता है वो, उसके पापा उसको इतना ताना मारते हैं, लेकिन कभी डीमोटिवेट मत होना बेटा। कभी भी हाफ सीए देखो तो सतीश सर को देख लेना आप, मेरे साथ भी हुआ था वहां, एक एक एपिसोड था ग्रुप वन और ग्रुप टू, मैंने भी दोनों ग्रुप साथ दिए, एक ग्रुप निकल गया एक रह गया, फिर दोबारा दिया दोबारा निकल गया दूसरा ग्रुप, 6 महीने बाद एक बार मेरे 192 आए, 8 नंबर से फेल हो गया, फाइनल में 8 नंबर से फेल हो गया था, फिर 192 आए मेरे, मैंने पहले बताया था, फिर 240 आ गए बाद में। हाँ आगे चलो जरा, अच्छा आप देखिए जरा, अच्छा एक मिनट के लिए मैं ये मैं आपको 4-5 सवाल दे रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 एक बार प्लीज, क्वेश्चन नंबर 10 घर के लिए, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करेंगे देखिए जरा, इनको आपस से पहले क्या कर लेना मल्टीप्लाई करा लेना, 14 भी हो गया, और 15वें क्वेश्चन में आपस से मल्टीप्लाई करा लेना, केवल आज का काम ये 6 सवाल आपके नाम, बाकी मैं कराऊंगा आपको। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। क्या कह रहा है बेटा, अच्छा ये चीज फिर फॉर्म भी किया देखो, बाय बाय बेटा, कुछ ये वो तो है जिन जिन के नाम से बोला गया था ये से बहुत तेज बारिश हो रही है बात ना करते बहुत तेज, मैंने पहले से नहीं बोला था आपको, नहीं तो आपका